नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे किसान के पास जो कर रहा है जैविक गन्ने की खेती। देखिए, आज हम सुनते हैं अलग अलग जगह पे कि रासायनिक खेती हो रही है, खाद डल रहे हैं, बीज डल रहे हैं, इस तरह के, तो उस तरह से हजारों बीमारियां हो रही हैं। मगर ये किसान हमारे साथ हैं जो बिल्कुल जैविक खेती कर रहे हैं, जहर मुक्त गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। तो सर, अपने गन्ने के बारे में थोड़ा बताइए कि ये गन्ना क्या है, किस तरह से आप करते हो, अलग कैसे है वो दूसरे गन्ने से, थोड़ा सा बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है, गांव सिलावर, जनपद शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मैं गन्ने की जैविक खेती लगभग 8 साल से कर रहा हूं। और जैविक ज़मीन दिखाऊंगा मैं सबसे पहले आपको, ज़मीन जैविक हो जाती है कैसे, उस देखिए एक बार, जो आप यहां पे देखेंगे तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं बारीक बारीक दाने, जैसे सरसों के दाने हो जाते हैं, मिट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये सब कुछ कैंचुए का किया हुआ है, ये टोटल का टोटल। मतलब आप रासायनिक खाद इसमें नहीं डालते बिल्कुल भी जी, और ये कैंचुए वाली खाद इसके अंदर आप डालते हो जी। देखिए, ये इसमें कुदरती कैंचुआ उत्पन्न हो गया है। इसका कारण ये है कि इसमें मैंने ग्रीन मैन्योर और गोबर खाद दोनों अच्छी मात्रा में दी हुई है लगातार 7-8 साल से। मैं ग्रीन मैन्योर पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जैसे कि दलहनी फसलें हैं हमारी, पेड्डी और पौधा, पहले पौधे में, गन्ने के पौधे में और फिर पेड़ी में, दोनों में दलहनी फसलें बोता हूँ और इसी में ही मल्च कर देता हूँ उसको। उसका देखिए, आप इधर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं मिट्टी में ये डॉट डॉट बने हुए हैं, और इसकी क्वालिटी देखिए आप मिट्टी की, और यहाँ से भी देखिए आप, मैं इसको हाथ से ऐसे निकाल दूंगा, ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी बन गई है और कैचुओं ने ये बिल्कुल ही इसको, ये सब कैंचुओं की है, जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, गोल गोल मिट्टी हुई है ये सारी, ये सब कैंचुओं की निकाली हुई है। कैंचुओं की मात्रा इतनी है इसमें पूरे खेत में, जब आप बरसात में आएंगे तो मैं कभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे भरमार कैंचुए दिखाई देंगे आपको। तो सर, ये जो आइडिया है ऑर्गेनिक खेती करने का, तो आपको ये कहाँ से आइडिया आया सर, इसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है पास ही, 5-6 किलोमीटर दूर है, जलालपुर गांव पड़ता है शामली की कृषि का, तो उसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक है, वो गोष्ठी करते रहते हैं, वहाँ पे कुछ किसान आते रहते हैं जो जैविक खेती करते हैं, तो इसी चीज़ से थोड़ा मैं प्रभावित हुआ, मुझे अच्छा लगा। केमिकल मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। हाँ, जैसे कि हम आजकल सुन रहे हैं कि केमिकल युक्त चीज़ें, अनाज है, गेहूँ है, अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं बाज़ार में और केमिकल डाल डाल के उनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जी। मगर आपने ये जैविक खेती चुनी और इसको बढ़ावा दिया, जिससे हमारे शरीर भी स्वस्थ रहे और हर तरह की हमें बीमारियों से बचाया जा सके। एक बार बताइए कि इसमें प्रोडक्शन कितना का हो जाता है, क्या जो केमिकल रासायनिक खाद जो डाली जाती है जी, उसके मुकाबले प्रोडक्शन कैसा हो जाता है इसके अंदर? देखिए, जो मैं गन्ने की खेती करता हूँ, गन्ने के बारे में बताऊँगा पहले, आप पीछे की तरफ अगर दिखा पाए, वो पेस्टिसाइड वाला गन्ना है, ठीक है सर, और ये गन्ना केमिकल फ्री है जो मेरे पीछे है। इसमें सिर्फ इतना अंतर है, 1 बीघा में वो पेस्टिसाइड वाला गन्ना निकलेगा आपका 80 क्विंटल का बीघा, ये निकलेगा 50 क्विंटल का बीघा, इतना तो अंतर आता है। लेकिन अगर आप गन्ने की क्वालिटी देखें, मैं आपको गन्ने की क्वालिटी दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए गन्ना जो है, देखिए गन्ने को काट के दिखा रहे हैं पूरा, कैसा गन्ना ये निकलेगा जो पूरा ऑर्गेनिक गन्ना है जी। ये गन्ना जो है, ये मैं ऐसे ही तोड़ दिया, कोई गन्ना पहले टेस्ट नहीं किया था कि ये काटना है, ये बिल्कुल भी इसमें जो बोलते हैं ना हम, थोता गन्ना, 1% भी थोता नहीं है, बीच में से बिल्कुल ठोस गन्ना है, ये क्वालिटी होती है। पेस्टिसाइड वाला गन्ना 90% बीच में से थोता मिलेगा, मतलब कि उसके अंदर जूस की मात्रा कम होती है और इसके अंदर जूस की मात्रा ज़्यादा निकलेगी, भरपूर होती है, मतलब कि वहीं पड़ जाएगा हिसाब किताब, अगर हम गिने जूस के अंदर अगर गुड़ निकालें या गुड़ निकाले, खांड निकाले या रस पिए हम कुछ भी, तो गन्ने से संबंधित कोई भी उत्पाद अगर हम बना रहे हैं, तो रस की गुणवत्ता तो अच्छी है, साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होती है ऑर्गेनिक में। तो
देखो सर, जैसे ज्यादा खेती है यहाँ पर पेस्टिसाइड वाले की करते हैं लोग, तो आप वाले गन्ने की जो मार्केट, आप वाले गन्ने की मार्केट है इसकी, और कहाँ सेल करते हो सर इसको, या कस्टमर आपके खुद खेत में आके ले जाते हैं? सर देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसमें जो है स्टार्टिंग में दिक्कत आई मुझे 7-8 साल पहले जब मैं नौकरी की थी, 7-8 साल ही मैंने प्राइवेट जॉब की। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो शुरुआत में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि मैं कर रहा हूँ। जैसे पता चल लगता गया उसी तरह से मेरी मार्केट डेवलप होती गई। अभी स्थिति यह है कि मेरा 60-70% सामान, गुड़, शक्कर, खांड, सिरका, जो मैं बना रहा हूँ चारों चीज़ें, वो घर से ही सेल आउट हो जाती है। बाकी जो दूर के लोग हैं, अगर एक बल्क में मेरे पास माल होता है, बल्क की क्वांटिटी बन जाती है ऑर्डर की, तो जैसे देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो मेरे से दूर पड़ते हैं 150 से 200 किलोमीटर दूर, या आपके इधर रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल तक मैं गुड़ पहुंचा देता हूं। मेरे पास एक बल्क होना चाहिए, तो ऐसे चल जाता है 30-40% में लेके जाता हूं, बाकी यहीं से ही सेल आउट हो जाता है। और सर रेट में क्या फर्क होता है इसका क्विंटल में? जैसे ये पेस्टिसाइड वाला ईख इधर है और आप वाला ईख है, तो रेट में कितना डिफरेंस होता है इसमें? देखिए पेस्टिसाइड वाले में, जी जी देखिए, मैं गन्ना तो सेल नहीं करूँगा, हमारे यहाँ मिल ही एक मार्केट है, मिल ही एक मार्केट बोलेंगे हमारे यहाँ पे, तो मैं केवल गुड़ बनाता हूँ, तो गन्ने का तो दाम हम नहीं लगा पाएंगे इस तरह से, क्यों, मिल तो अपने भाव लेगा जो भी डिसाइड होता है मिल का गवर्नमेंट के द्वारा। मैं इसे गुड़, शक्कर, खांड और सिरका बनाता हूँ, उसके मेरे प्राइस आम गुड़ से 2.5 गुना ज़्यादा तेज है। कि लोग आजकल जो है ये इस तरह का बिना पेस्टिसाइड का गुड़ या बिना मसाला युक्त गुड़ लेना पसंद करते हैं, और उसके ऊपर से अगर गन्ना भी जैविक हो, जहर मुक्त गन्ना हो, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है आपके, अपने लिए है जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी, ये इन्होंने एक ट्रिक निकाली जाए, एक ये सीख के आए हैं जो जैविक खेती के बारे में ये इन्होंने बताया। तो और सर थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सी आप खाद डालते हो या क्या इसके अंदर आप करते हो? देखिए शुरू में तो पहले सर ने यहाँ पर जो खेती कर रहे हैं गन्ने की, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि, क्योंकि शुरू में जो खेती करता है ऑर्गेनिक तरीके से खेती करता है, शुरू में तो ये इतनी क्वांटिटी नहीं निकल पाती, पैदावार नहीं निकल पाती। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। तो सर ये बताइए पब्लिक को कि इसमें कौन सा खाद डालते हो, क्या डालते हो, और अपने आप खुद तैयार करते हो या किसी से बाहर से ही मंगवाते हो? जी देखिए सर, मैं जो है एक ग्रीन मैन्योर, हरी खाद जिसे हम बोलेंगे, वो यहाँ पे ही बोई जाती है और इसमें ही मल्च कर दी जाती है। एक खाद तो हमारी वो हो गई, दूसरी खाद हमारी होती है वेस्ट डिकम्पोजर, इससे भली भांति परिचित है। देखिए मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैं खाद बना रहा हूँ, आइए मेरे साथ चलिए, आइए देखते हैं तैयार खाद। देखिए ये पूसा डिकम्पोजर के नाम से शीशी आती है, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग द्वारा बनाई जाती है और ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसमें देखिए आप, सूक्ष्म बैक्टीरिया भी है। इससे जो तैयार हमारी वेस्ट डिकम्पोजर है वो इसके अंदर है। देखिए तो सर जो ये देखिए अंदर जो दिख रहा है, इसमें क्या क्या चीज डालते हैं उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करना। देखिए सामान हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर रखी हुई है हमारी गुड़ शक्कर, ये मीठे के रूप में 2 किलो मीठा जाता है इसमें। ये हमारा चूना है, ये चूना भी कैल्शियम का काम करता है। और इसमें ये ड्रम है जी, 200 लीटर का ड्रम है सर। 200 लीटर और कितना पानी डालते हो सर इसके अंदर कुछ? सर इसमें पहले सारी चीजें डालेंगे, 200 लीटर का ड्रम है, पानी से इसको भर देंगे, उसके बाद हम इसमें 2 किलो गुड़ मीठा जो भी हमारे पास है वो डालेंगे। अगर मीठा अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी गन्ने की पोरी जिसमें रस हो उस तरह से भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 किलो कोई भी दाल का आटा डालते हैं, थोड़ी सी किसी भी बरगद के, पीपल की, या कोई ऐसी मेड हो जहाँ पे पेस्टिसाइड न डाला हो लंबे समय से, इतनी सी मिट्टी ये हाथ भर के वो इसमें डाल देते हैं। इसमें मैंने थोड़ा एडवांस किया है, इसमें मैंने तांबे का बर्तन भी डाला है और इसमें ये एक देख रहे होंगे आप, ये एलोवेरा भी डाला हुआ है, ठीक है सर। और इसको जो है हम एक बार ये ड्रम भरने के बाद इसे क्लॉकवाइज ऐसे चलाते हैं,
क्लॉकवाइज ऐसे चलाएंगे, ये हमारा 5 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद कलर ऐसा दिखेगा जैसा आपको ये दिख रहा है अभी, ये कलर तैयार है। इससे पता लग जाएगा कि हमारे घोल तैयार हो गया। ये 1 एकड़ में काफी है। कितना डलता है सर 1 एकड़ में? ये 200 लीटर। 200 लीटर 1 एकड़ में कितने एक बार ही डलता है सर? पानी के साथ डिप डिप करके हम बाहरी नाली है उसमें पाइप लगा के चला देते हैं। ये पाइप यहाँ पे लटकी हुई है, ये पाइप लगाएंगे यहाँ ड्रिपिंग सिस्टम से। जी 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 जी। और ये आप 4 से 5 पानी पे अगर चलाएंगे लगातार तो आपकी जमीन जो है वो जी उठेगी। और सर जैसे ये बताते हैं जो पेस्टिसाइड वाली खेती करते हैं तो जैसे गन्ने में कीड़ा वगैरह या कुछ भी लग जाता है तो उसका कैसे बचाव करते हो आप इसमें? देखिए कीड़े का बचाव का सही तरीके से स्टार्ट होता है हमारा गन्ना की बुआई से। जैसे हम जमीन तैयार करते हैं तो उसमें हमारी एक चीज़ और आती है जो बहुत सहायक है, ये ट्राइकोडर्मा हाइजीनियम नाम है इसका। ये जो है हमें लैब से मिलती है, यहाँ पे हमारे कैराने में शामली डिस्ट्रिक्ट में एक लैब है वहाँ से उपलब्ध होती है। ये 100 रुपये का डब्बा आता है, इस पर 75% सब्सिडी मिल जाती है ब्लॉक की तरफ से। ठीक है सर, ये हम 50 किलो खाद लेंगे तैयार, गोबर की खाद जो तैयार हो चुकी है उसमें इसे मिला देंगे और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देंगे और थोड़ा सा बेसन मिला के उसे आपस में, और फिर उसे हम किसी टाट से ढक देंगे छायादार जगह पे और उसमें थोड़ी नमी बनाए रखेंगे। इस तरीके से हमारी खाद तैयार होती है।